तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर पर एक कूलर बना सकते हैं, जो आप घर पर बना सकते हैं। और वो बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा और बहुत ज़्यादा सिंपल भी। आप उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर आप खुद घर पर उसे बना पाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के एक खाली कंटेनर की। आप किसी बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक की बड़ी कोल्ड ड्रिंक की, या फिर किसी और बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं। और उसका जो ढक्कन है कुछ इस तरह से, हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का एक होल कर लेना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। और जो कंटेनर होगा या फिर बॉटल होगी, हमें उसके अंदर कुछ इस तरह का कट लगा लेना होगा, देखिए कुछ इस तरह का। और फिर सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट जो आता है वो होता है इसके अंदर की सारी वायरिंग्स और सब कुछ, जो सर्किट वगैरह जो हमें बनाना होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट पार्ट है। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो पड़ेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और मेन चीज़ जो है हमारे को वो है ये कुछ इस तरह की डीसी मोटर। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी एक मोटर है। हमें इस मोटर को क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ हमने हमने होल किया, हमें यहाँ पर इससे कुछ इस तरह से लगा देना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। तो ये मोटर हमें चाहिए होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में ज़रूरी है कुछ इस तरह की एक 9 वोल्ट की एक बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी। साथ ही में इस बैटरी का वो क्लिप कवर, एक फैन, इसे आप प्रोपेलर भी कह सकते हैं, इसको हम अपने मोटर के साथ फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और एक स्विच ताकि हम अपने कूलर को ऑन ऑफ कर सकें, इसलिए हम एक स्विच भी लगाएंगे। कुछ इस तरह की वायर्स, कटर, प्लायर्स, कुछ इस तरह का एक खाली टेप रोल हमें चाहिए होगा। हम क्या करेंगे, सभी इन सभी बैटरी मोटर ये स्विच हम सबको इस जगह पर फिट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो स्विच होगा वो हमारा इस कट, जहाँ पर मैंने ये कट दिया हुआ है, हम वहाँ पर इस स्विच को इस तरह से फिक्स कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और साथ ही में इसके साथ हमें चाहिए होगा कुछ इस तरह का एक सर्कुलर कार्डबोर्ड पीस, एक सर्कल शेप में आपको कार्डबोर्ड पीस चाहिए होगा। उसको हम क्या करेंगे, जब जब ये सब हम इसके अंदर जो वायरिंग का काम जब हम कर देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर इसको सिंपली कुछ इस तरह से कवर कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और साथ ही में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ग्लू गन की, साथ ही में ग्लू स्टिक भी हमें चाहिए ही होगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी फेविक्विक या फिर और किसी फेविकॉल या फिर फेविक्विक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है फिर और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से हमारे जो वायर्स हैं इन सब की जो सबको जोड़ने के काम आने वाली है। और लास्ट में हमें चाहिए होगी थोड़ी सी बर्फ़, यानी कि आइस ट्रे, हमें कुछ आइस क्यूब्स हमें चाहिए होगी, जिसे हम इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे, और फिर हम इस फैन को ऑन कर देंगे और बन गया हमारा कूलर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा वो वायरिंग वाला पार्ट था इस वीडियो का, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो हमें मुझे उन सब, जैसे आप ये यहाँ पर देख सकते हो, जो हमें इस मोटर को पहले यहाँ पर फिक्स करना होगा, फिर उसके साथ हमें ये स्विच, ये वायर्स, ये क्लिप कनेक्टर, ये बैटरी, ये सब चीज़ें एक साथ कनेक्ट करनी होगी। उसके लिए मुझे ग्लू गन की ज़रूरत है, और जो ग्लू गन है वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से। और जिस कमरे में मैं अभी हूँ उधर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं है, तो शायद मैं आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें ना दिखाऊँ कि मैं ग्लू गन से किस तरह से इन सभी चीज़ों को जोड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं इन सबको जोड़ने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ गाइज। अभी मैंने फाइनली वो सारी उन सभी चीज़ों को, वो बैटरी, वो स्विच, वो मोटर,
उन सब चीज़ों को मैंने वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था, ये वो कंटेनर का लिड। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से, हमने यहाँ पर एक होल किया था इसके बीच में, और इसके बीच में मैंने मोटर डाल दी, और इसके यहाँ पर हमने इसका एक फ़ैन लगा दिया हुआ है, देख सकते हो। और हाँ, आपको जो ये होल है यहाँ पर, उस होल को आपको इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपका फ़ैन है वो फ्रीली घूम सके जब आप मोटर को ऑन करोगे। साथ ही में हमने इस मोटर को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया ढेर सारी ग्लू गन से, हॉट ग्लू से हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सील्ड कर दिया हुआ है। और ये रहा इस, और यहाँ पर हमने बैटरी के साथ क्लिप कनेक्टर भी ज्वाइन कर दिया हुआ है। आप इस सर्किट को ध्यान से देख सकते हैं ताकि अगर आप भी बनाना चाहें तो आप इसको बना सकें। देख सकते हो आप इस सर्किट को आप ध्यान से देख लिए। एक रेड वायर हमने इसके ऊपर लगाई है, ब्लैक वायर एक स्विच पर, और दूसरी ब्लैक वायर भी स्विच पर। और जब हम अब ये बैटरी कुछ इस तरह से हम रख देंगे, ये स्विच ये रहा, अभी अभी स्विच जो है वो ऑफ है। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो जो हमारा फ़ैन है, जो हमने ये फ़ैन लगाया था, ये ऑन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये मैं स्विच को पहले ऑन कर दे रहा हूँ। मैंने स्विच ऑन, ये देखिए अभी स्विच ऑफ है, अभी ये स्विच ऑफ है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो जो फ़ैन है वो भी ऑन हो चुका है। देख सकते हो आप, हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। देखिए हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। अब मैं स्विच ऑफ़ कर रहा हूँ तो हमारा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। देखिए, यानी कि हमारा जो ये सर्किट था वो सक्सेसफुली हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने, जो हमारा वो टेप रोल था, हमें कुछ इस तरह का खाली टेप रोल चाहिए होगा, फिर हम इसको कुछ इस तरह से रख देंगे। हम यहाँ पर भी इसको ग्लू गन के साथ सील कर देंगे, और उसके बाद जो स्विच है हम कुछ इस तरह से यहाँ पर, जहाँ पर हमने ये कट दिया हुआ है, हम यहाँ पर लगा देंगे स्विच। उसके बाद हम ये, जिसके ऊपर ये हमने कार्डबोर्ड शेप में हम सर्कल काटा था, हम इसको भी कुछ इस तरह से लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एसी। हम इसके नीचे जो है, फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंपली जो वो कंटेनर था वो हम इसके नीचे लगा देंगे, कंटेनर में डाल देंगे ढेर सारी बर्फ, और बन जाएगा हमारा होममेड एयर कूलर, या फिर आप कह सकते हो होममेड एसी। जो आपने थंबनेल में देखा वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं क्लिक बेट कर रहा हूँ, सच में वही चीज़ आपको दिखने वाली है जो आपने थंबनेल में देखी। चलिए फटाफट इन सब चीज़ों को सील करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे एसी को यूज़ कैसे करना है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा तैयार हो गया है, वही जैसे मैंने आपको कहा था, मैं उन सभी चीज़ों को ग्लू कर दूंगा। ये हमने खाली टेप रोल लिया और उसको मैंने इस कंटेनर के लिड के साथ अटैच कर दिया। उसके इसके अंदर की जो मैंने आपको दिखाई थी वायरिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, मैंने सर्किट अच्छे से तैयार कर दिया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक लिड भी लगा दिया कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड शेप की, कार्डबोर्ड में एक सर्कुलर शेप की एक मैंने पीस यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर मैंने निकाल दिया यहाँ पर एक स्विच, और ये रहा हमारा फ़ैन। आप देख सकते हो तो कितना छोटा, और ये कितना कॉम्पैक्ट साइज़ है, बहुत ही छोटा है दिखने में, और बहुत ज़्यादा कूल लगता है पकड़ने में। देख सकते हो कितना ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए ये फ़ैन ऑन हो जाता है। देखिए ये स्विच ऑन है अभी, अब मैं ऑफ़ करूँगा तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ये हो गया फ़ैन ऑफ। अब मैं स्विच फिर से ऑन करूँगा, ये हमारा स्विच यहाँ पर है, और मैं इसको ऑन करूँगा तो फ़ैन ऑन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम इस कंटेनर के ऊपर लगाने वाले हैं कुछ इस तरह से, लेकिन उससे पहले हमें कूलर बनाना है, तो उसके लिए हम इससे डालेंगे ढेर सारी बर्फ। तो मेरे पास में है यहाँ पर ढेर सारी बर्फ, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ढेर सारी बर्फ है। सबसे पहले हम इस कंटेनर के अंदर ये सारी की सारी बर्फ डाल देंगे। तो चलिए बर्फ़ डालनी शुरू कर देते हैं। तो मैंने सारी की सारी बर्फ में हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर देखना कितनी ज़्यादा ठंडी हवा है। ये हमारा कूलर, होममेड कूलर आप इसे कह सकते हो, क्योंकि हमने इसे घर पर ही बनाया है। आप भी इससे चीज़ को आप घर पर बनाकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम इसके ऊपर ये हमारी जो फ़ैन है, हम इसको भी अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से, इसका लिड टाइट कर देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा एसी, देख सकते हो कितना ज़्यादा दिखने में कूल है ये। अब मैं जैसे इसका स्विच ऑन करूँगा, फ़ैन ऑन, और यहाँ पर जो, और यहाँ से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती रहेगी। देखिए बिल्कुल एसी जैसी कूलिंग आ रही है, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। जो बर्फ़
में से इवेपोरेट हो रही है हवा, वही हवा यहाँ से आ रही है जो हमने यहाँ पर एक कट लगाया हुआ है। सच में बहुत ठंडी हवा आ रही है, हालांकि इतना पावर नहीं है इस हवा में, लेकिन फिर भी ठंडी हवा हमें दे रहा है, यानी कि हम यानी कि प्रोजेक्ट है ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो ये तैयार हो गया हमारा छोटा सा मिनी होममेड एयर कंडीशनर, आप इसे कह सकते हो, एयर कूलर भी आप इसे कह सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो ये सर्किट वगैरह है, इन सबसे चीज़ों से अगर आप चाहते हो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देखना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और प्लीज़ यार एक लाइक कर देना इस वीडियो के नीचे, यार बहुत मेहनत करी है मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में, मतलब ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा लगा फिर ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप इस चीज़ को घर पर बनाना चाहते हो तो प्लीज़ यार इसको भी आप घर पर बना सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत आपको 40 से 50 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगेंगे, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें बैटरी मोटर स्विच वगैरह अगर आपके पास घर पे है तो आप बना सकते हो। लेकिन आप इसे बाज़ार से भी ख़रीद सकते हो या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। मैं आपको इन सब चीज़ों का ख़रीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से ख़रीद कर आप इससे भी खुद घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।